नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप लोगों को शेयर जरूर करना है, तभी इस वीडियो को बनाने का मोटिव पूरा हो पाएगा। दोस्तों, आज सारी दुनिया का शांति दूत शर्मिंदा होने वाला है। आज दुनिया भर के शांति दूत इस बात के लिए काफ़ी पछताने वाले हैं और खुद पर शर्मिंदगी महसूस करने वाले हैं कि आखिरकार उन्हें दुनिया के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति बना करके ऊपर वाले ने क्यों भेजा। दोस्तों, आज भारत में बैठे हुए कन्वर्टेड इस बात को सुन करके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है। दोस्तों, भारत में बैठे हुए कन्वर्टेड जो कि इस बात की ढींग हांकते हैं कि इस्लाम धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और आदम इस दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे, उन लोगों का मुँह आज पूरी तरह से बंद हो जाएगा और आज के बाद वो इस बात को नहीं कह पाएंगे कि इस्लाम धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया भर के कन्वर्टेड लोग इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि हिंदू धर्म ही दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है और उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि हिंदू धर्म से ही दुनिया के सारे धर्म बने हैं, जिसके बाद वो इस बात को बहुत अच्छे से कह पाएंगे कि हिंदू इज़ द फादर ऑफ ऑल रिलीजन और उन्हें ये बात पूरी तरह से समझ आएगी कि इस्लाम धर्म बहुत ही बाद में आया है और दुनिया भर के मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ नकली और कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। आज मैं भारत में बैठे हुए शांति दूतों के साथ साथ दुनिया भर के मुस्लिम लोगों से इस बात को पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस बात को कहते हैं कि इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, तो मुझे आज एक ऐसे भी देश का नाम बता दो जिस देश के अंदर खुदाई के दौरान लगभग 2000 वर्ष पुरानी कोई मस्जिद मिली हो। कोई ऐसा देश बता दो जिस देश के अंदर लगभग 2.5 या 3 हज़ार वर्ष पुराने इस्लाम के अवशेष मिले हो। कोई ऐसा देश बता दो जिस देश के अंदर लगभग 2 या 2.5 हज़ार साल पुरानी चर्च मिली हो। शायद आप लोगों के जहन में दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा है ही नहीं। क्योंकि दुनिया के अंदर जो धर्म सबसे पुराना धर्म है, उस धर्म का एक ही नाम है, सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। आज के समय में दुनिया के बहुत से ऐसे मुस्लिम देश है जिन देशों के अंदर खुदाई के दौरान न जाने हजारों वर्ष पुराने मंदिर और हिंदू देवी देवताओं के अवशेष मिले हैं। आज दुनिया के बहुत से ऐसे मुस्लिम देश हैं जिन देशों के अंदर खुदाई के दौरान लगभग 2 से लेकर के 3 हज़ार वर्ष प्राचीन हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जिसने उस देश में रहने वाले मुस्लिम लोगों को इस बात को स्पष्ट तौर पर समझा दिया है कि आज वो जो इस्लाम धर्म को मान रहे हैं, वो धर्म प्राचीन नहीं है, बल्कि उनके बाप दादा और पूर्वज किसी अन्य धर्म को माना करते थे और उन्होंने तलवार की नोक पर डर करके इस्लाम कबूल कर लिया। यही कारण है कि आज दुनिया के मुस्लिम देशों के अंदर लोग इस्लाम को बहुत तेज़ी से छोड़ रहे हैं और साथ ही साथ इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि इस्लाम धर्म तो बहुत बाद में आया है, हिंदू धर्म ही सबसे प्राचीन है और उसी धर्म से हर धर्म निकला है। आज के समय में जब मुस्लिम देशों के अंदर खुदाई होती है और वहाँ पर प्राचीन हिंदू मंदिर मिलते हैं जो कि लगभग 2 से लेकर के 3 हज़ार वर्ष तक पुराने होते हैं, तो इस्लाम धर्म के मानने वाले इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक समय पर ज़रूर इस देश के अंदर भी हिंदू धर्म ही रहा होगा और कहीं ना कहीं उनके दादा परदादाओं ने डर के मारे इस्लाम कबूल किया होगा। यही कारण है कि आज दुनिया भर में इस्लाम की पोल खुलती जा रही है और हर इंसान इस बात को अच्छे से समझता जा रहा है कि इस्लाम धर्म बहुत ही बाद में आया है और हिंदू धर्म के सामने इस्लाम धर्म बहुत ही बच्चा है। आज के समय में जो व्यक्ति दुनिया के अंदर एक मुस्लिम है, कभी ना कभी वो भी प्राचीन समय में हिंदू रहा होगा। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय के बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।